हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी गिनी पिग को कौन से वीक में है आपकी गिनी पिग। अभी जैसे देख सकते हो, ये जो गिनी पिग है अभी जो है कैरेट खा रही है, ये अभी 6 to 7 वीक की है। अगर मैं इसको पेट को टच करता हूँ तो उसमें मुझे ना इसके बच्चों की रोटेशन और किक महसूस हो जाती है। ठीक है, देख सकते हो मेरी गिनी अभी खाना खा रही है, डाइट दिया था मैंने इसको। अगर आपकी जो कैरेट खा रही है आपको गर्मी बहुत हो रही है तो आपको वाटर वाले ही फूड देना है इसको भी, और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना पड़े। तो भी गिनी भी मेरी खाना खा रही है, देख सकते हो अभी 6 to 2। आप बताने वाला हूँ आप एक गिनी पिग क्या कौन कौन से वीक में क्या क्या सिम्टम होते हैं गिनी पिग के अंदर। ठीक है, मैं इसको ग्रेन्स भी देता हूँ खाने को, देख सकते हो कितनी ज़्यादा अब मोटी हो गई है, अब बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मतलब पेट ठीक करके फील करता हूँ तो मैं हल्की हल्की बच्चों की और कभी कभी थोड़ी बहुत रोटेशन भी देखने को मिल जाती है। अब देखो अभी गिनी पिग जो है 1 to 1 वीक का, मतलब 1 से लेकर 2 द वीक होती है। ठीक है, 1 से 2 लेकर गिनी पिग बहुत ज़्यादा सोती है और खाना भी बहुत ज़्यादा ही खाती है, और काफ़ी देर तक लेट ही पड़ी जाती है। उस दिन खाना तो ये वादी है, इसको बोलते हैं रचका, जो हम जो आता है ना उनका दूध लोग देते हैं ग्रच का, वो मैं दिया हुआ है। घास पे तो बहुत टाइप का आइटम देता हूँ। ये 1 to 2 वीक में ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं 3 to 4 वीक पर। 3 to 4 में का जो हल्का सा जो है ना फीमेल का जो पेट जो है टाइट सा हो जाएगा, हल्का पेट आएगा जो, और काफ़ी ज़्यादा ही आराम करेगी और काफ़ी ज़्यादा सोएगी। और 3 to 4 वीक में आपको वैसे निकाल लेना चाहिए अपनी, अगर अपने मिल के साथ रखा है तो। और 5 to 6 वीक में जो गिनी पिग होती है, मतलब जो मेरी बहुत ज़्यादा आराम करती है, बहुत ज़्यादा ही खाना खाती है, मतलब पेट को देखते तो पूरा एरिया राउंड टाइप का हो जाता है, तो पूरा जो है ना राउंड टाइप का। अभी मेरी 6 to 7 वीक पे चल रही है, और अब बड़ा डिफरेंस वास्ते 1 दिन के अंदर ही अंदर देखते होगे। और 7 to 8 वीक में जो गिनी पिग्स जो होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा ही खाना खाते हैं वो पूरा। आप बच्चों फिर खा हल्की हल्की हो रोटेशन भी देख सकते हो, फील भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही रोटेशन जो होती है बच्चों की। ओके, जिसमें गिनी मेरी कैरेट खा रही है, और इस वीक में पक्का ही अपनी मेल से अलग कर देना है वरना दिक्कत भी हो सकती है। गिनी पिग अब आएंगे 8 to 9 वीक, तो बहुत ज़्यादा ही रोटेशन देखने को मिलती है हमें गिनी पिग के बारे में। जब मेरी गिनी पिग खाना खा रही है, अब 9 to 10 वीक में जो गिनी पिग्स होते हैं, मतलब वो 10th वीक तक तो बच्चे कर ही देता है, 9th वीक में आपकी बाहर से ही रोटेशन देख